तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि वीवीएमआई को पावर प्रोग्रामिंग में, जो कि हम फोर ईच लूप के बारे में जानने जा रहे हैं। हमारे साथ कमरान जी आ रहे हैं एंड अवध बिहारी जी हैं। तो फोर ईच लूप हम आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए, फॉर ईच लूप, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि हमने जो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर में जो हमने लूप पढ़ा था, तो वीवीए के अंदर में लूप दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा फॉर लूप और दूसरा होता है हमारा डू लूप, राइट। फोर लूप के भी दो पार्ट है, फोर आई मतलब कि फोर इंटीजर, और यहाँ पे फोर एच। एंड डू का होता है डू वाइल एंड डू अंटिल। तो आपका लूप है, राइट। तो हम फोर आई को अच्छे से समझ चुके हैं, फोर इच भी समझ चुके थे, लेकिन फोर इच हमें उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया था। तो चलिए फोर इच के बारे में हम आपको दोबारा से समझाते हैं। अब देखिए, जैसे कि फोर इच का अगर हम सिंपली बोले तो सिंपली है, ये बात जान लीजिए कि आप एक्सेल का कोई भी फीचर अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप एरिया सेलेक्ट करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो आप एक एरिया सेलेक्ट करके फिर फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए फॉर्मेट अप्लाई करने वाला जो कमांड वीवीए माइक्रो का कोई माइक्रो है तो वो कितने एरिया पे चल रहा है? वो चल रहा है आपके सिलेक्टेड एरिया पे चल रहा है ना, क्या सर? ऐसे ही कोई भी फीचर अप्लाई करते हैं तो ऐसे आपने मैक्रो बनाया और मैक्रो के अंदर में आप चाहते हैं कि आपका मैक्रो सिलेक्टेड एरिया के अंदर चले। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम लगाएंगे फोर इच का लूप। जैसे मान लीजिए कि ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में जो ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 का जो रिकॉर्ड है मुझे के में एक के नीचे दे दे, राइट। और मैं, हमें जरूरी नहीं कि मैं पूरा एरिया ही लूं, हम हो सकता है कि हम एक छोटा सा एरिया भी सिलेक्ट कर ले या पूरा एरिया सिलेक्ट कर ले। तो कितने एरिया पे हमारा माइक्रो चलाना है वो मुझे डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और वो जब हम माइक्रो रन करेंगे उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन फिलहाल मैं, मुझे ये करना है कि जितना एरिया हम सिलेक्ट करें उस एरिया में जो ग्रेटर देन 50 है उसकी रिकॉर्ड्स को के ऊपर रख दें। तो हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं। प्रेम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। अरे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की क्लास है सर, तो आप देख सकते हैं, इसको भी आप जॉब कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, लूप लगाएंगे कि यहाँ पे एक डिम आर एज ए रेंज देंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि फोर आई इक्वल टू फोर आई नहीं होगा फोर यहाँ पे फोर इच आर इन सिलेक्शन, ठीक है। और कंडीशन देंगे कि इफ, अब आर रेंज हो गया आपका कि आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज ए 65 ए नहीं के होगा ना पे, हाँ के 65,000 डॉट एंड एक्स लेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर डॉट वैल्यू, और यहां पे एंड इफ, और यहां पे हम कर देंगे नेक्स्ट आर। अब जैसे मैं इसको एक एरिया हम सेलेक्ट करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हमारा ये जो मैक्रो है उस मैक्रो को जैसे ही हम रन करेंगे तो रन करते ही आप देखिए यहां पे आपको आ गया सर पूरा रिकॉर्ड। तो
तो जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उतने एरिया पे आया है। अगर हम पूरा एरिया सिलेक्ट करेंगे तो पूरे एरिया का जो भी ग्रेटर देन 50 वाला रिकॉर्ड होगा वो 1 kg 1 inch डाल देगा, वो भी विद इन सेकेंड। ठीक है, ये तो अननेसेसरी वर्क हुआ। चलिए कुछ काम की चीजें कर लें। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नाम लिखा हुआ है हमारे इस एरिया में। वो नाम जो लिखा हुआ है, वो नाम लिखा हुआ है आपका कैप स्मॉल लेटर में, मुझे इसको कैपिटल लेटर करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है, कोई कमांड नहीं होता है। आप इसको एक, इसको मैं यहां पे इक्वल अपर का फॉर्मूला लगूंगा तो फिर ये अपर लेटर में कन्वर्ट करेगा, नीचे ड्रैग करूंगा, कॉपी करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा। तो ये तो एक सेल हो तो चल जाएगा, लेकिन कई सारे सेल्स या आगे चल के ऑटोमेशन वगैरह करना हो तो दिक्कत होगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने एरिया को सिलेक्ट करूं और कमांड पे क्लिक करूं, जैसे कि मैं एमएस वर्ड में करता हूं। कि अगर मैं यही चीज में एमएस वर्ड में लिख के रखता तो क्या होता, मैं एमएस वर्ड में बताता हूं क्या सिंपली कर लेंगे हम। मिस वार्ड में यहीं पे नहीं, यहां पे नहीं है, यहां यहां अपर केस। बस एक क्लिक पे सारा अपर केस हो गया ना सर। तो मुझे ऐसे ही एक क्लिक पे अपर केस करना है। एक्सेल के अंदर तो इसके लिए कोई फीचर है नहीं, तो हम विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग से यहां पे लिखेंगे कि सब्जेक्ट RR/2। RR नाम कुछ भी दे सकते हूं, मैं ऐसे ही ले लेता हूं। इसलिए हमेशा मत सोचिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, सिंपल ऐसे ले देता हूं। मैं यहां पे सेम डिम आर एज ए रेंज लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि 4 inch R इन सिलेक्शन और R डॉट वैल्यू इक्वल टू 2 case R.value और फिर यहां पे नेक्स्ट सिंपल कर दिया। अब मैं यहां भी एरिया को सेलेक्ट करूंगा और माइक्रो में जाके अपना माइक्रो को रन कर दूंगा तो एक क्लिक पे हमारा वो काम हो जाएगा जो हम वर्ड में कर रहे थे। समझ में आया सर? तो यहां इस माइक्रो की प्रॉपर्टी को समझे कि हमने यहां जो सिलेक्शन किया, मतलब जो एरिया सिलेक्ट है, सिलेक्शन के हर एक सेल को हमने आर नाम दे दिया, ठीक है ना। तो यहां लिखा कि 4 inch R इन सिलेक्शन, तो 1 by 1 सिलेक्शन में जितने भी सेल होंगे उसको आर मान लेगा और उसकी वैल्यू जो भी है उस पर आगे प्रोसीजर करेगा। जैसे इसने आर को मान लिया और उसकी वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, समझ गए। अब यहां जरूरी नहीं कि सिलेक्शन ही हो, आपके पास अगर फिक्स रेंज हो तो आप फिक्स रेंज भी दे सकते हैं कि यहां पे रेंज A1 से C10, ऐसे आप फिक्स रेंज भी दे सकते हैं। समझ गए सर? तो सिलेक्शन देने का मतलब हुआ कि माइक्रो रन करने से पहले जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो एरिया, और ये तो फिक्स हो गया ना, आपने दे दिया तो फिक्स है, तो फिक्स कीजिए। और आपको डायनेमिक करना है कि जब यूजर सिलेक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग चले, तो वो भी आप यहां कर सकते हैं।
ठीक है सर। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं रेंज में वर्क कर सकता हूं? नहीं सर, रेंज इसको हर एक ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, जैसे कि सीट है हम शीट पे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, सब्जेक्ट आर आर स्लैश टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे लिखूंगा डिम डब्लू एज ए वर्कशीट, वर्क शीट, ठीक है, लिखूंगा कि फोर एच डब्लू इन एक्टिव एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्कशीट्स, और यहां पे लिख सकते हैं कि डब्लू डॉट नेम इक्वल टू डेटा और एन परसेंट ब्रैकेट में आर आर प्लस वन अवेलेबल दे दिया ना, क्योंकि एक नाम का सारे शीट नहीं हो सकता ना, इसलिए नहीं, यहां भी गलत हो जाएगा, यहां आर देना होगा सिर्फ, और यहां पे दे दीजिए आर इक्वल टू आर प्लस वन, और फिर यहां पे नेक्स्ट डब्ल्यू। अब मैं इसको रन करता हूं, देखे तो जितने भी वर्कशीट था उस पे वर्क कर गया आपका, तो आप वर्कशीट के ऊपर भी करवा सकते हैं, ऐसे आप वर्कबुक के ऊपर भी करवा सकते हैं, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर भी करवा सकते हैं। आगे से लेके हम आपको ऑब्जेक्ट भी बताएंगे, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे कि एरे बताएंगे, तो आप एरे के ऊपर भी इसी तरह से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सर ये आपने जो बताया ना, ये इनएक्टिव वर्किंग शीट एक्चुअल क्या है, क्या मतलब समझाना, ये वाला आप प्लीज एक बार रिपीट करा दो सर। देखिए मेरा काम, मुझे क्या करना था कि मैं इस फाइल के अंदर में जितने भी वर्कबुक है उसका नाम चेंज करना था, ठीक है। इसके लिए आप फोर लूप लगाते ना कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू शीट्स डॉट काउंट, क्या ये करते, तो मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट से हम रेंज मानते हैं ना, ऐसे हम वर्कशीट भी मान सकते हैं, ऐसे हम वर्कबुक भी मान सकते हैं, समझ गया। तो हमने बोला कि dim w as a worksheet, और फिर लूप लगाया कि for each w, अब w कहाँ है, क्योंकि w एक वर्कशीट है तो कहाँ है, तो हमने बोला कि w in the active worksheets, मतलब कि इस active workbook के जो अंदर जितने भी worksheets है वो w है, तो one 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 by one w तो का नाम को चेंज करते चला जाएगा। वो तो ठीक है, अगर सर फाइल होती तो सब में सेम नाम तो नहीं होता, अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट नाम देना हो तो कैसे दे सकता हूँ? अब डिफरेंट डिफरेंट नाम लेना है तो आपको फिर आपको लूप तो ही लगेगा, फिर तो फिर वन बाय वन करना पड़ेगा ना, लूप तो एक कंडीशन पे लगता है ना सर। अच्छा, और नाम तो सेम है ही नहीं, पहले समझ जाइए कि नाम तो सेम नहीं हो सकता, एक एक ही फाइल में दो शीटों का नाम सेम नहीं हो सकता ना सर, नाम डिफरेंट डिफरेंट ही है, डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री डेटा फोर ऐसे सिक्वेंसली है, तो आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट नाम है तो डिफरेंट डिफरेंट नाम कहीं पे रख लो, फिर वहां से उठा के इसमें दो क्या। जैसे मान लीजिए कि आपके जो भी शीट्स के नेम है, मैंने उस शीट्स के नेम यहाँ लिख दिए, ठीक है, ठीक है, लिख दिया, हाँ राइट। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं करूंगा सेल्स आर कॉमा वन डॉट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू। अब मैं इस मैक्रो का नाम अगर इस रन करूंगा तो इस सीट में जो नाम होंगे वही नाम आपके सीट्स के नेम हो जाएंगे सीक्वेंस के, समझ गए। हाँ सर,
वो तो हमने यहाँ उठा लिया, तो यहाँ पे r इक्वल टू r प्लस वन क्यों किया? क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, क्योंकि सेल्स को चेंज करने के लिए चाहिए ना कोई काउंटर। तो हमने बोला कि हर बार r के ऊपर एक वैल्यू असाइन कर दो, पहली बार चलेगा तो r वन होगा, दूसरी बार चलेगा तो r टू हो जाएगा, क्योंकि वो वन प्लस वन कर देगा कि r ऑलरेडी वन था उसमें वन एड कर दिया। थर्ड टाइम चलेगा तो वो टू थ्री हो जाएगा, क्योंकि वो टू पहले से होगा प्लस वन, तो काउंटर ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। फोर लूप जब लगाते थे तो उसमें हमें काउंटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आई ऑलरेडी काउंटर था क्या। इसी को अगर हम फोर लूप से करते हैं तो कैसे करते हैं? दिखा देता हूं, वो भी बता देता हूँ आपको। सब्जेक्ट आर आर प्लस थ्री ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ लिखते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू शीट्स डॉट काउंट, ठीक है। और यहां पे करते हैं शीट्स आई डॉट नेम इक्वल टू सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू, और फिर नेक्स्ट आई। समझ गए? तो कहीं पे फोर ईच सुविधाजनक होता है, कहीं पे नहीं होता है, तो वो आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इस्तेमाल करें कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर? हाँ सर। फोर ईच के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक कोड आपको भेज देता हूं ताकि आप इसको ये करेंगे, मैंने कुछ रेफरेंस में ले लेंगे, और कल जो है हम टू लूप के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। अगर सर एक साथ सारी सीटें हाइड करनी हो तो? एक साथ सारी सीटें हाइड नहीं होगा, क्योंकि एक सीट को रख छोड़ना पड़ेगा आपको, एक छोड़ के बाकी हाइड होगा। एक्सेल वर्कशीट का नियम है, उसके लिए कौन सा फोर आई यूज होगा या फिर दोनों नहीं कर सकते? फोर देखिए, फोर आई करेंगे, देखिए फोर आई करेंगे तो इसमें आपको कौन सा सीट का नहीं माइनस वन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा किसको हाइड नहीं करना है। इफ अगर ये सीट मतलब वो सीट का नाम, जी आपको याद होगा जब डेटा कई सारे शीट से जब डेटा कॉपी पेस्ट किए थे तो हमने डेटा सीट स्किप किया था ना। हाँ स्किप करना पड़ता, नॉट इक्वल टू फिर देन ये करे, हाँ देन करेगा, क्योंकि एक सीट तो रहेगा ही ना, बड़ा एरर आ जाएगा आपको, सारा डिलीट नहीं हो सकता ना, ठीक है। इसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर जो दिक्कत होगी वो हम कल आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। और आज की ये रिकॉर्डिंग जो है आपको YouTube पे चली जाएगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको और नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो मेरी वेबसाइट iptindia.com से आप उठा लीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कभी डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।